पूर्णिया में रविवार को नीट की परीक्षा के दौरान सेंटर से परीक्षा को पेपर लिखते चार मुन्ना भाई पकड़े गए थे। ये डमी कैंडिडेट पकड़े गए सभी दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे थे। पकड़े गए डमी परीक्षार्थी राजस्थान के जालौर, भोजपुर, बेगूसराय और सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार ये सभी मेडिकल स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं। सीनियर डीएवी स्कूल को नीट की परीक्षा का केंद्र बनाया गया था। पकड़े गए डमी परीक्षार्थी की पहचान राजस्थान के जालौर जिले के संचौर थाना की खाकाराम गांव निवासी कमलेश कुमार के रूप में हुई है। कमलेश कुमार अभ्यर्थी धीरज प्रकाश की जगह पेपर लिख रहा था, वहीं दूसरा अभ्यर्थी आशीष की जगह नीतीश कुमार एग्जाम दे रहा था। नीतीश भोजपुर जिले के बिहिया गांव के वार्ड 2 निवासी धर्मपाल सिंह के बेटे के रूप में हुई है। तीसरे की पहचान बेगूसराय जिले के मटिहानी थाना के रामदेरी गांव टोला नकटी वार्ड 6 निवासी विजय गुप्ता के बेटे सौरभ कुमार के रूप में हुई है। सौरभ अभ्यर्थी तथागत कुमार की जगह पेपर दे रहा था। वहीं चौथे की पहचान सीतामढ़ी जिले के चौरथ थाना के बड़ी बेटा गाँव के वार्ड 4 निवासी नील रंजन चौधरी के बेटे मयंक चौधरी उर्फ कृष्णा कुमार के रूप में हुई है। मयंक दीपक कुमार की जो है परीक्षा दे रहा था। नाम बोलो ना जी, नाम अपना अपना बोल दो खाली, अपना बोलो, नाम बोलो बस। घर कहाँ हुआ? भोजपुर। कहाँ? भोजपुर। कैसे एग्जाम में कैसे बैठ रहे थे दूसरे के बदले? कोई किसी का फोन आया था, बोले थे कि बैठने के लिए। क्या फोन किया था? कौन, किसने किया था फोन? भेज दिए हैं, उसका एड्रेस नहीं पता था। अच्छा, तो ऐसे ही कोई कह देगा कि बैठने के लिए बैठ गया। कितना में डील हुआ था? लालच दिया था। हैं? लालच दिया था। डील कितना का हुआ? लालच दिया था। शुरू में 5 लाख बोला था। 5 लाख और बाद में कितना देता दिया? कितना? अभी ऐसे ही, अभी रुकता नहीं था, बस खर्चा पहन देता था ऐसे। पूरा डील कितना में हुआ था? पूरा डील कितना में हुआ था? 5 लाख ही बोला था। 5 लाख में एक स्टूडेंट का? चारों से 20 लाख। जो करवाते हैं कहाँ कहाँ के लोग हैं? कौन गैंग है ये लोग? कहाँ के लोग हैं ये लोग? गैंग के बारे में नहीं पता है ना हम लोग को, बोलते हैं किसी के बारे में कुछ नहीं पता रहता। जो बोला वो कहाँ का? सेट कैसे हुआ था? रैंडमली कर लेते हैं, कहीं कैसे कर लेते हैं। कल नीट के एग्जाम में मधुबनी थाना अंतर्गत 4 लोगों को डिटेन किया गया है, जो जिनके ऊपर यह आरोप है कि वो दूसरे के बदले एग्जाम में बैठे हुए। ये चारों लोग अलग, एक तो राजस्थान के रहने वाले हैं और बाकी 3 लोग, एक सीतामढ़ी, एक भोजपुर और एक बेगूसराय के रहने वाले हैं। इन लोगों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है और जिनके बदले बैठे थे उनके बारे में डिटेल बताया है। और साथ ही साथ ये सभी लोग जो हैं वो ऑलरेडी मेडिकल के स्टूडेंट हैं, अलग अलग सेमेस्टर में पढ़े थे, इनके खयाल दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई। तो कितने में कॉपी बिकी थी? अब ये एग्जैक्टली अभी